दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे अकाउंटेंट लोगों ने मुझसे पर्सनली कमेंट किया था कि सर आप हमें जीएसटी से रिलेटेड जो बेसिक बातें होती है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसा कि जीएसटी के दौरान B2B क्या होता है, B2C लार्ज का मतलब क्या होता है, B2C स्मॉल का मतलब क्या होता है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, या फिर क्रेडिट या डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, HSN कोड क्या होता है, ई-वे बिल क्या होता है, कब बनाया जाता है, ई इनवॉइस क्या चीज़ होती है, कब बनाया जाता है, क्या इसकी कंडीशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि B2B B2C का आखिरकार मतलब क्या होता है, ई-वे बिल किस कंडीशन में बनता है, ई इनवॉइस किस कंडीशन में बनता है। तो दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या प्रेजेंट टाइम में कोई अकाउंटिंग कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो जीएसटी से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो तो आपकी इंक्रीज होगी, वो जो नॉलेज इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर अगर आपसे जीएसटी से रिलेटेड ये बेसिक बातें पूछ ले तो भी आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक पूरा कंप्लीट देखना होगा, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप्स की नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भी ये जो B2B B2C HSN की ये जो डिटेल की हम बात कर रहे हैं, अब ये सारा रिकॉर्ड हमारा किससे रिलेटेड है, GST की रिटर्न से रिलेटेड है। अब GST की रिटर्न का रिलेटेड का मतलब हमारी GSTR1 है, जैसे कि GSTR3 भी है, तो ये जो हमारा सेल का जो रिकॉर्ड होता है, अब ये जो B2B और B2C पार्ट है ये हमारा GSTR1 का पार्ट होता है, और GSTR1 के अंदर पार्ट में हम क्या देते हैं कि टोटल हमारी मंथ की जितनी भी सेल होती है उसको हम GSTR1 में शो करते हैं। तो दोस्तों अगर हम B2B और B2C से पहले कुछ बेसिक बातें को समझते हैं, अब बेसिक बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं भी सबसे पहले हमारी कंपनी की सेल को हम ओपन कर लेते हैं। अब टोटल सेल देखने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आओगे और हम Alt+F1 के साथ पूरी डिटेल ओपन कर लेंगे। तो ये मैंने पूरे ईयर्स का डाटा ओपन कर लिया। अब आप एक महीने का डाटा कर सकते हो, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने का रिकॉर्ड भी आप ओपन कर सकते हो। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास जितनी टोटल सेल आ रही है वो आ रही है 6,127.52 रुपये, यानी कि ये टोटल सेल है, इसमें सारे कस्टमर केस बिल सभी पार्टियाँ शामिल हैं। अब हम चलते हैं GST की रिपोर्ट पर। GST रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले पर हम जाएंगे, GST रिपोर्ट्स पर जाएंगे और GSTR1 को ओपन करेंगे, क्योंकि जो हमारे B2B और B2C पार्ट है वो GSTR1 के पार्ट हैं। हम पूरे ईयर्स का डाटा को ओपन करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जितनी सेल है वो टोटल सेल, अब हमारे पास यहाँ पर भी यही आ रही है 6,127.52 रुपये की, और वहाँ पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी यही सेल आ रही थी 6,127.52 रुपये की। अब ये जो 6,127.52 रुपये की है, अब ये टोटल सेल है। अब यहाँ पर इस टोटल सेल को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाएगा। दो हिस्सों का मतलब भी अब इस 6,127.52 रुपये में आपने रजिस्टर्ड लोगों को कितना गुड्स सेल किया हुआ है और अनरजिस्टर्ड गुड्स रजिस्टर्ड पार्टी को आपने कितना सेल किया है। अब अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया, यानी कि ऐसे वो कंज्यूमर, ऐसे कस्टमर जिसके पास GST नंबर नहीं है, उनको आपने कितने रुपए का सामान बेचे हैं, और इसी 6,127 में आपने रजिस्टर्ड लोगों के, यानी कि ऐसे जो आपके पास कंपनी, ऐसे जो दुकानदार जिनके पास में GST नंबर है, उन्होंने GST नंबर ले रखा है, उन लोगों को आपने कितने रुपए का सामान है जो सेल किया है। तो अगर हम टोटल डिटेल की बात करें तो यानी कि अब ये जो हमारे पास पार्ट आ गया B2B का और B2C का, तो अब आप देख रहे हो कि ये जो टोटल सेल है इस सेल के अंदर ये कह रहा है भी आपने 160 रुपये की सेल तो ऐसी है जो आपने किसी रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल करी भी है। अब ये B2B के अंदर कितने वाउचर है वो वाउचर आपको यहाँ पर काउंट हो रहा है, यानी कि ये टोटल आपने दो इनवॉइस है जो इशू किए हैं सेल के, एक आपने रजिस्टर्ड को किया हुआ है और एक आपने
अनरजिस्टर्ड को कर दिया। दोनों टोटल अगर हम सेल करें रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड की, तो वो टोटल हमारी सेल 6,127.52 रुपये की आ जाएगी। तो यानी कि अब B2B का मतलब क्या हो गया, ऐसे जो दुकानदार जिसके पास GST नंबर है उन लोगों को हमने जो सेल किया है वो हमारे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, और ये हमारी एक इनवॉइस है। इंटरप्रेस करेंगे तो वो इनवॉइस हमारे सामने आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये हमारे पास में एक ABC को ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसको हमने सेल किया हुआ है 160 रुपये। इंटरप्रेस करेंगे तो ये एक नंबर इनवॉइस आ जाएगा, और उसके बाद में ये हमारे पास आ जाएगा B2C। अब B2C के अंदर आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक B2C लार्ज का और एक B2C स्मॉल का। अब लार्ज का मतलब क्या हो गया, बड़ा, स्मॉल का मतलब क्या हो गया, छोटा। अब लार्ज का मतलब हो गया भी आपके पास ऐसा कोई कस्टमर, ऐसा कोई कंज्यूमर जो है तो अनरजिस्टर्ड यानी कि उसके पास GST नंबर नहीं है, लेकिन उसने आपसे सिंगल इनवॉइस के अंदर जो अमाउंट है वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा की आपसे परचेज करी है। यानी कि ऐसा कस्टमर जिसको आपने सिंगल इनवॉइस यानी कि उसने आपसे 2,50,000 रुपये से ज़्यादा का माल खरीदा है और एक ही बिल आपने उसको जनरेट करके दिए हैं, तो वो आ जाएगा लार्ज के अंदर। और ऐसे कोई अदर कंज्यूमर जिसकी जो परचेज है यानी कि जिसको आपने 2,50,000 रुपये से कम के इनवॉइस है जो इशू किए हैं, टोटल की बात नहीं कर रहा मैं, सिंगल इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। अब वैसे तो आप मान लीजिए 2,00,000 रुपये की आपके पास दो इनवॉइस इशू कर दो, टोटल 4,00,000 रुपये की आपने एक कस्टमर को सेल कर दी, तो वो लार्ज में नहीं आएगा। लार्ज का मतलब सिंगल इनवॉइस की वैल्यू है जो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो वो लार्ज में आएगा। अगर 2,50,000 रुपये से कम की इनवॉइस है तो वो आपका B2C स्मॉल के अंदर काउंट होगा। यानी कि B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर की जो ट्रांजेक्शन होती है वो वाली हमारी B2C के अंदर काउंट होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो टोटल दो इनवॉइस हैं, एक रजिस्टर्ड को हुआ है और एक अनरजिस्टर्ड को है। अभी इस अनरजिस्टर्ड के अंदर आपके नॉर्मल कस्टमर केस के इनवॉइस वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। अब जैसा कि अब आपको मैं एक इनवॉइस हम और इशू करते हैं, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर हम 3 बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं केस का इनवॉइस बनाता हूँ और एक आइटम ए ले लेते हैं, और इसका रेट हम एक बार डाल देते हैं 300। उसके बाद में देखते हैं टोटल इफेक्ट क्या आता है, CGST और SGST। एंटरप्राइज करेंगे तो अब टोटल सेल हमारी बढ़ेगी, तो टोटल सेल अब होगी हमारे पास में 6,413.23 रुपये की। तो हम GST रिपोर्ट को हम जाके देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारे पास 6,413.23 रुपये की सेल होगी, लेकिन अब हमारा B2C की ट्रांजेक्शन है वो जो हमारी सेल है टैक्सेबल वैल्यू वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब टोटल आपके ने 3 इनवॉइस है जो इशू कर दिए सेल की, एक रजिस्टर्ड को और दो आपने अनरजिस्टर्ड को। अब अनरजिस्टर्ड में जैसा कि अगर हम यहाँ पर एंटरप्राइज करते हैं तो अगर हम देखेंगे तो अब इसके अंदर एक आपके पास ABC कंपनी का है और एक केस का है, यानी कि ABC कंपनी का नाम तो लिख दिया लेकिन उसके पास के अंदर GST नंबर नहीं है। अगर हम इसका भी अगर GST नंबर यहाँ पर लिख देंगे कंपनी के अकाउंट्स में अल्टर करके इसको, तो ये जो अमाउंट जो हमारी जो सेल आ रही है ये सेल हमारी B2B की ट्रांजेक्शन है जो बढ़ जाएगी। हम करके देखते हैं, उसके बाद जैसे कि ABC लेज़र को हम यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, और एक तो आपको जहाँ पर ये अनरजिस्टर्ड है इसको रेगुलर करना पड़ेगा, और दूसरी बात इसका GST जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। हम एक बार कोई कंपनी का यहाँ पर डाल देते हैं, एंटरप्रेस करते हैं और इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो अब आप देखोगे जो हमारी B2B की जो ट्रांजैक्शन है अब ये दो इनवॉइस हो गए, और आपकी B2C की सेल है वो अब कम होगी। टोटल सेल आपकी उतनी है 6,413.23 रुपये की, लेकिन ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगी। तो ये आप समझ गए होंगे यानी कि B2B का मतलब ऐसी B2B बिजनेस टू बिजनेस की ट्रांजैक्शन, हमारे पास तो GST नंबर है ही लेकिन हमारे से जो माल परचेज कर रहा है उसके पास भी GST नंबर है, और B2C का मतलब एक नॉर्मल कंज्यूमर जिसके पास GST नंबर नहीं है। और उसके बाद क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ये आ जाएंगे हमारे पास में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को, यानी कि ये हमारे द्वारा अगर कोई सेल रिटर्न के अगेंस्ट के अंदर हमने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो भी रजिस्टर्ड को कितना किया हुआ, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं B2B को कितना किया हुआ है, और अनरजिस्टर्ड का मतलब B2C को कितना किया हुआ है, तो वो हमारे इसके अंदर काउंट होते हैं।
तो ये तो थी हमारी बी टू बी और बी टू सी की कहानी। भी अगर आपसे कल को कोई पूछ ले भी बी टू बी की ट्रांजेक्शन का मतलब, यानी कि ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमने रजिस्टर्ड पार्टी को करी है तो वो बी टू बी, और अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड को जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, एक वो नॉर्मल कस्टमर है, तो वो हमारा बी टू सी के अंदर काउंट होता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम ई वे बिल की। तो दोस्तों अब ई वे बिल की कुछ कंडीशन होती है। अब ई वे बिल का मतलब आ गया भी, अब मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आप किसी अदर स्टेट के अंदर या आपके लोकल सप्लाई अगर आप करते हो, तो अगर आप उसकी इनवॉइस 50,000 रुपये से ज़्यादा की है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा पोर्टल पर जाके। अब ये ई वे बिल बनता किसके कैसे बनता है, इसके लिए आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका मतलब है ये भी ई वे बिल का मतलब क्या हो गया। कल को आपसे ये बात कोई इंटरव्यू के दौरान पूछ ले भी ई वे बिल कब बनाया जाता है, तो दोस्तों ये वैसे तो अलग अलग स्टेट के अंदर इसकी अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है। जैसा कि अब मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे राजस्थान के अंदर क्या है भी, एक तो है 2 लाख रुपए की कंडीशन और एक है 1 लाख रुपए की कंडीशन। 2 लाख रुपए की कंडीशन का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए मैं मेरी सेम सिटी के अंदर ही किसी दूसरे कस्टमर को मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि चाहे वो बी टू बी का पार्ट है चाहे वो बी टू सी का पार्ट है, किसी को अगर मैं सेल कर रहा हूँ, अगर उस इनवॉइस की वैल्यू 2 लाख रुपये से की ज़्यादा की है तो मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब ई वे बिल का मतलब क्या हो गया भी, जो हमने कस्टमर को इनवॉइस बनाया है, जैसे कि मान लीजिए हम एक इनवॉइस को ओपन करते हैं, अब मान लीजिए ये इनवॉइस है और ये इनवॉइस मान लीजिए भी 2 लाख रुपए से की ज़्यादा की अमाउंट का है, और ये जो पार्टी है जिसको मैंने सेल किया ये मेरे लोकल की कंपनी है, यानी कि मेरे एरिए की ही है, लोकल सिटी का है। तो अब इस कंडीशन में ये जो इनवॉइस की डिटेल है, जैसा कि इसका इनवॉइस नंबर, इस पार्टी का जीएसटी नंबर, क्या स्टॉक आइटम है, क्या क्वांटिटी है, कितनी उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, कितने परसेंटेज वाली है, तो कितना उसका सीजीएसटी बन रहा है, कितना एसजीएसटी बन रहा है, तो ये सब कुछ मेरे को पोर्टल पर जाके अपलोड करना पड़ेगा ई वे बिल की साइट पे जाके। तो जैसे मैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का ई वे बिल से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्यूआर मिलेगा, उसके बाद आपको ई वे बिल के नंबर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, और उसके बाद में सारी ये डिटेल भी, जो सप्लायर्स है उसके डिटेल नंबर क्या है, प्लेस ऑफ डिस्पेस कहाँ माल जा रहा है, उस तरीके से डिलीवरी कहाँ से हो रही है, इनवॉइस का नंबर क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स की क्या रहने वाली है, एचएसएन कोड क्या है, ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, तो ये सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पर इसके अंदर देनी पड़ती है ई वे बिल के अंदर। तो यानी कि हम कह सकते हैं, तो अगर 1 लाख रुपए की कंडीशन है, अगर ये मेरे लोकल एरिया से बाहर के अगर मैं माल को सप्लाई कर रहा हूँ, बाहर के कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, तो अगर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से की ज़्यादा की है तो भी मुझे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा पोर्टल पे जाके। ये यानी कि जो मेरी सॉफ्टवेयर में से जो इनवॉइस तैयार हुए उसकी सारी की सारी डिटेल मेरे को पोर्टल पर जाके अपडेट करनी पड़ती है। तो ये रहा ई वे बिल का सिस्टम। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, ई इनवॉइस की। तो दोस्तों ई इनवॉइस बनाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन तो ई, कल से आपको पूछ रहे भी ई इनवॉइस किस कंडीशन में बनाया जाता है, तो ई वे बिल जो बना रहे हैं उसकी टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की रहनी चाहिए, पहली कंडीशन तो इसकी ये है। लेकिन तो अगर वो 10 करोड़ की ज़्यादा की है तो उसको ई वे इनवॉइस है जो बनाना कंपलसरी है। लेकिन अब बनाना कंपलसरी किसको बनाना कंपलसरी है, ये अगर हम किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सामान अगर सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें ई इनवॉइस है जो बनाना कंपलसरी होता है। अब ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों में डिफरेंस होता है। ई इनवॉइस, ई वे बिल तो हो गया केवल रस्ते के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वे, और ई इनवॉइस का मतलब हो गया ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ही है। सेम इसी तरीके से हमें ये ई इनवॉइस के पोर्टल पर जाके जो हमारी जो टैक्स इनवॉइस की जो डिटेल होती है वो डिटेल हमें सबमिट करनी होती है पोर्टल पर जाके। जैसे हम उसके पोर्टल पर अपडेट करेंगे तो हमारे इनवॉइस के ऊपर कुछ इस तरीके से क्यूआर कोड की डिटेल आएगी, और उसके साथ साथ ये 64 डिजिट का आईआरएन नंबर भी साथ में आएगा, और ये एनक्लोजमेंट का नंबर भी आएगा, एनक्लोजमेंट की डेट भी आएगी साथ में। और उसके बाद में जैसा कि रूटीन में हमारे पास इनवॉइस होता है, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी डिटेल वगैरह, ये सारी की सारी हमारी इनवॉइस के ऊपर एडिट रहती है, क्योंकि यही डिटेल हमें ई इनवॉइस के पोर्टल पर जाके ये रजिस्टर्ड करना होता है। किस कंडीशन में करना पड़ता है भी, एक तो जो आप गुड्स सेल कर रहे हो वो सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसके अंदर आपका गुड्स है जो टैक्सेबल या टैक्स फ्री कोई भी है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ई इनवॉइस है जो बनाना कंपलसरी है। अगर आप किसी
अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हो तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ई इनवॉइस की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि ई वे बिल के अंदर तो एक लिमिट थी ना भी, हमारे पास अगर हम कोई 2 लाख रुपए से या 1 लाख रुपए से ज्यादा की अगर कोई इनवॉइस बनता है तो ई वे बिल बनाना जरूरी है। लेकिन ई इनवॉइस के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है। ई इनवॉइस अगर आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को, चाहे आप 2 रुपए का ही सेल कर रहे हो, तो भी आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या रहती है भी, जो ई इनवॉइस बनाएगा उसकी कंपनी की जो टर्नओवर है, टोटल सेल है, वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए पिछले सालों की, यानी कि जब से जीएसटी लगा है उससे लेके और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक की जो टोटल टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर 10 करोड़ से कम है तो उसको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। अगर दोनों है तो ई वे बिल भी बनेगा और उसके साथ साथ में ई इनवॉइस भी बनेगा। ई वे बिल किस कंडीशन में बनेगा, अगर आपके सेल का क्राइटेरिया यानी कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर कोई गुड्स की वैल्यू है तो ई वे बिल बनेगा। अगर गुड्स की वैल्यू कम है लेकिन ई वे बिल फिर भी आपको बनाना पड़ेगा, किस कंडीशन में, सामने वाली पार्टी आपसे रजिस्टर्ड हो उस कंडीशन में। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नॉलेज मिला है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे उसी से रिलेटेड वीडियो बनाने की। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेगी।